अन्य परीक्षाओं में ये मिलता है? देखिए, हर एक परीक्षा की अपनी एक नियमावली है, हमारी भी एक नियमावली है। उस नियमावली के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। ऐसी मांग अभी हमारे यहाँ बहुत सीरियसली किसी ने नहीं की है, करेंगे तो हमारा प्रस्ताव है कि हम उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसके लिए अपनी नियमावली में गवर्नमेंट लेवल से संशोधन करवाना होगा। अभी नहीं मिलेगी, अभी जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हम तो यह भी विचार कर रहे हैं कि मैं एक प्रस्ताव शीघ्र ही एक दो महीने में देने वाला हूं कि आयोग की परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएं, ये OMR का चक्कर ही खत्म हो जाए। हम ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था भी करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव देने वाले हैं। आंसर जारी करने की भी मांग करते हैं कि सवाल क्या हमें देखने को मिलता है कि आउट होने का एक वायरल सोशल मीडिया पे ज्यादा चलता है उस तरह की। देखिए, क्वेश्चन आउट होना थोड़ा इनमें फर्क है, थोड़ा आप देखें इस चीज को। क्वेश्चन लीक होना, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले अगर पेपर आ जाता है तो वो लीक है। हमारे पेपर सभी आ गए हैं जहां आना था, अभी तक तो कोई पेपर लीक नहीं है। पेपर का कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कल सेंटर पर पेपर जाएगा, पेपर वहां पर खुलेगा। अब पेपर खुल गया, बहुत से लोग डेस्परेट हैं, लोग संसद में कूद रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कोई आदमी मोबाइल लेकर के चला जाएगा और तब जब पेपर बट गया है उसकी फोटो खींच करके वायरल कर देगा, उसको आप लीक कहोगे? वो लीक नहीं, इनफैक्ट वो एक चीटिंग है। वो चीटिंग भी है, वो मिस्चिफ भी है, वो एक शरारत है। चीटिंग इस सेंस में कि कुछ लोग तो इसलिए उसको भेजते हैं अपने भाई बंधु को या अपने ग्रुप को कि वो यहाँ से क्वेश्चंस भेजेंगे, वो आंसर भेजेगा और वो आंसर वहाँ पर लिख सकेंगे। एक तो ये प्रक्रिया है जो कि मोबाइल के थ्रू होती है या ब्लूटूथ वगैरह कुछ लगा करके आ जाते हैं। और दूसरा है मिस्चिफ, हमें केवल मिस्चिफ करना है, मलाइन करना है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, पेपर लीक है आपका, तो ऐसा मिस्चिफ कोई कर सकता है, लेकिन उससे कितने लोग फ़ायदा उठा पाएंगे वो भी एक सोचने की बात है। और मैं आपको बताऊं, हर एक कॉपी में एक यूनिक नंबर है या यूनिक साइन है, हर एक कॉपी में नहीं है, हर एक पेज पर है। कौन सा पेपर वायरल होगा, कौन फोटो खींचेगा, ये भी हमको जानकारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो घंटे समय लग सकता है, हमको जानकारी हो जाएगी। तो उन जो आदमी इन्वॉल्व होंगे, जिन्होंने अपनी कॉपी से फोटो करवाई होगी या खुद की होगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पेपर लीक का कोई सवाल नहीं है, वो मेरी गारंटी है, पेपर लीक नहीं है। पेपर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, कल वो जाएगा सेंटर पर। सारे जिलों में पेपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर दिया गया है, पेपर लीक का कोई क्वेश्चन नहीं है, पेपर लीक नहीं है। परीक्षा अपनी नियमावली है, हमारी अपनी नियमावली है, और उस नियमावली में एक एक चीज़ छोटे छोटे विस्तार उसमें लिखे हुए हैं, माइन्यूट भी, क्या करना है। ये OMR होगा तो कितनी कॉपीज़ में होगा, कार्बन लेस कॉपी होगी कि कार्बन कॉपी होगी, कौन सी कॉपी दी जाएगी कौन सी नहीं दी जाएगी, उसको हम फॉलो करेंगे। जो आपकी ये डिमांड्स हैं, अगर ये सीरियस डिमांड्स हमारे सामने आएंगी तो हम इस पर विचार करेंगे और सरकार से नियमावली में परिवर्तन कराएंगे। मुझे इसमें व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको रूल्स इस तरह की चीज़ें करने के लिए फिलहाल अभी परमिट नहीं करते हैं। थैंक यू। ये टारगेट इस तरह नहीं होता। आप अभ्यर्थी कितने सीट पे जा रहे हैं? 1275 सीट है, 660,000 8 अभ्यर्थी हैं, और 2 पाली में होना है, इसलिए 330,000 8 प्रत्येक पाली में परीक्षार्थी इसमें होंगे। हम अनुमान करते हैं 2 महीने में रिजल्ट निकाल दूंगा। 2 महीने जी, देखो आपको पता है 3-tier सिस्टम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं इसी में ये भी कहना चाहता था, जो ये अनफेयर मींस वाली बात होती ना, कोई इसमें किसी मुन्ना भाई को बिठा करके मान लो पास हो भी गया, इसमें 20 times आएंगे लोग। प्रिलिमिनरी में 1-20 सिलेक्शन होता है, एक सीट के अगेंस्ट 20 लोगों को चुना जाता है। तो ये हमारे 1275 हैं, तो कुल मिला के करीब 26,000 लोग के लगभग इसमें सिलेक्ट होंगे। 26,000 बहुत छोटी संख्या है, इनका बहुत कंट्रोल्ड और बहुत मजबूती से हम यहाँ एग्जाम कराएंगे। अगर कोई इसमें पास होकर के आ भी गया, उसमें 2 पेपर होते हैं मेंस में, मेंस में वो क्या करेंगे, और फिर मेंस में निकले उसके बाद मेरे यहाँ फिजिकल में आएंगे। तीनों बार का अलग अलग फिंगरप्रिंट और दूसरा उसका डेटा हमारे पास में बायोमेट्रिक डेटा होता है। अगर कोई आदमी स्किप कर भी जाएगा यहाँ से, तो फिजिकली पकड़ा जाता है, एंड दे आर सेंट टू जेल इमीडिएटली। सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूसेंस हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हमको भी घबराहट हो जाती है क्या हो रहा है। तो ये बात है, तो ये 3-tier सिस्टम है, इसमें अभी प्रिलिमिनरी हो रहा है। इसके रिजल्ट के बाद में एक पद के विरुद्ध 20 लोगों को मेंस में अपीयर होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। उस 20 लोग जो एग्जाम देंगे मेंस का, मेंस की मेरिट के बेसिस पर 6 गुना पदों के 6 गुने लोग फिजिकल में आएंगे, और फिर आप जानते हैं फाइनली एक पद पर एक सिलेक्ट होगा। सो कंपटीशन बहुत टफ है दैट वे,
लगभग 7 लाख लोग, 1275 सीट, यानी 1275 पर मतलब 1500 के अंदर में सब कुछ हो जाना है और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर भी मेरी गुड विशेस है, सब अभ्यर्थी बहुत अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अच्छा करें और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। रखना अलाउड नहीं होगा बाहर, उसके लिए व्यवस्था प्राइवेट व्यवस्था रहती है, उसको हमने सभी जिलों के जिला प्रशासन से अनुरोध किया था, उस व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे ताकि किसी का शोषण भी नहीं हो। अधिक पैसे लोग नहीं लें, 10-20 रुपये टोकन लेकर के उनके सामान अगर कुछ निजी हैं तो उन्हें रखें, लेकिन सामान सेंटर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात,